हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा इफेक्ट जो कि यूज हुआ है रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले की सेलिब्रिटी किलर वीडियो में। और अगर आपने वो सॉन्ग नहीं देखा तो सबसे पहले आप देखिए वो सॉन्ग, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो इफेक्ट उस वीडियो में यूज किया गया है उस इफेक्ट का नाम है 8mm लेंस इफेक्ट। और उस इफेक्ट को आजकल बहुत यूज किया जा रहा है म्यूजिक वीडियोज में। और अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आप अपने वेडिंग टीजर्स में भी इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। इस इफेक्ट को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है और वो मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। और जो फाइल्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगा उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप इजीली उन फाइल्स को कर सकते हैं डाउनलोड और अपनी वीडियोज में इस इफेक्ट को कर सकते हैं अप्लाई। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और हेल्प करें हमारे 2000 सब्सक्राइबर टारगेट को कंप्लीट करने में। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे दो तरह के लेंस फ्रेम इफेक्ट। यहाँ जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं इसे बोलते हैं 8mm लेंस फ्रेम इफेक्ट, और यहाँ जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं इसे बोलते हैं 14mm लेंस फ्रेम इफेक्ट। इन दोनों लेंस फ्रेम इफेक्ट को ही हम अप्लाई करेंगे अपनी वीडियो में, बट दोनों को अप्लाई करने का है बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड। मेथड है बहुत इजी, अगर आप इन मेथड को सीख लेंगे तो आप भी अपनी वीडियो में अप्लाई कर पाएंगे। सो गाइज, ये है हमारी टाइमलाइन जिस पर आज हम अप्लाई करेंगे अपना लेंस फ्रेम इफेक्ट। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो पर कोई भी लेंस फ्रेम इफेक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ। सो इसी पर आज हम अप्लाई करना सीखेंगे अपने इफेक्ट को। सो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी वीडियो जिसे आप यूज करना चाहते हैं अपनी वीडियो में। सो आप उसे रखेंगे अपनी टाइमलाइन पर, जैसे कि मैंने रखा हुआ है आप देख सकते हैं। सो टाइमलाइन पर रखने के बाद आप अपने लेंस फ्रेम को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट करके रखा हुआ है, इसे आप ड्रैग करेंगे अपनी लेयर 2 पे। सो ये आप देख सकते हैं हमारी लेयर 2 है और इस पे मैंने अप्लाई कर दिया है। सो अप्लाई करने के बाद आप इस लेयर को करेंगे स्केल। सो स्केल करने के लिए आप करेंगे राइट क्लिक और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्केल टू फ्रेम साइज का, आप इस पर कर देंगे क्लिक। सो क्लिक करते ही आपका इफेक्ट आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग हो जाएगा एडजस्ट। सो एडजस्ट करने के बाद आप जाएंगे इस लेयर के, जो आपने सेकंड लेयर पर अप्लाई की है अपनी 8mm फ्रेम, इसके आप जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में। सो इसके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में आपको मिलेगी सेटिंग और आपने जाना है ब्लेंड मोड पे। ब्लेंड मोड में आप सेलेक्ट करेंगे डार्कन ऑप्शन को, आप इस डार्कन ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। सो क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे तो आपकी वीडियो आपके फ्रेम में एडजस्ट हो चुकी है। एक बार आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। और आप भी अपनी वीडियो में इस टाइप के इफेक्ट्स को यूज करें और बनाएं अपनी वीडियो को क्रिएटिव। सो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप और इस पे अप्लाई करेंगे थोड़ी सी नॉइस। नॉइस अप्लाई करने से हमारी वीडियो में और आ जाएगी फील और हमारा ये जो हमने फ्रेम क्रिएट किया है हमारी वीडियो में हो जाएगा मर्ज। इन सब फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपने करना है डाउनलोड। सो इस नॉइस फाइल को आप करेंगे अप्लाई थर्ड लेयर पे। सो थर्ड लेयर पे अप्लाई करने के बाद फिर से आप जाएंगे ब्लेंड मोड पे और इसे आप कर देंगे डार्कन पे क्लिक। सो क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे तो कुछ चेंज आ चुका है हमारी वीडियो में, थोड़ा सा नॉइसी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं नॉइस इफेक्ट को यहाँ से ओपेसिटी ऑप्शन में। जितनी भी आप ओपेसिटी रखना चाहते हो अपनी वीडियो में नॉइस की, उसके अकॉर्डिंग आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा 8mm लेंस फ्रेम इफेक्ट। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 14mm लेंस फ्रेम इफेक्ट पे। उसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है इस इफेक्ट से। सो गाइज, ये है हमारी सेम वही फुटेज और इस पे अब हम अप्लाई करेंगे 14mm लेंस इफेक्ट। सो ये रहा हमारा 14mm लेंस इफेक्ट और इसे हम ड्रैग करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर सेकेंड लेयर पे। सो ड्रैग करने के बाद आप इसे करेंगे स्केल। सो स्केल करने के बाद आप इस वीडियो में से इस ग्रीन पोर्शन को करेंगे रिमूव। सो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे अल्ट्रा की को। सो ये रही हमारी अल्ट्रा की और इसे हम ड्रैग कर देंगे इस वीडियो के ऊपर।
सो ड्रैग करने के बाद आप जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में और आप यूज करेंगे की कलर ऑप्शन को। यहाँ पर आपको पिकर ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे ग्रीन पोर्शन को। सो गाइज, हमारा जो 14mm लेंस इफेक्ट है वो भी हो चुका है क्रिएट और आप इस तरह से ही अपनी वीडियो में इसे कर सकते हैं यूज। हाँ तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया 8mm लेंस इफेक्ट। और अगर आपको इस इफेक्ट को क्रिएट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इजिली वहां पर मुझे कर सकते हैं फॉलो। और अगर आप अपना कोई इफेक्ट मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि मैं लेके आऊं अपकमिंग वीडियोस में, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया धासु इफेक्ट के साथ। और हमारे इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दे प्रेस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।